हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। हमेशा की तरह एक वीडियो मैं और लेकर के आया हूँ आपके लिए। तो वो जो वीडियो है हमारा फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा, ये कुछ दिन पहले मैंने इसका वीडियो आपको बनाया हुआ था। ओप्पो का ये वही फ़ोन है A31। इसकी मैंने फ्लैशिंग की थी, मतलब ये डेड था फ़ोन, तो इसको मैंने फ्लैश किया था और कम्प्लीटली ऑन हो चुका था। बट उसमें मैंने फिर से इसमें पैटर्न लगा हुआ है और पैटर्न को ईजिली हम रिमूव करेंगे। तो वीडियो को लास्ट एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको पता है तो वीडियो को आप स्किप कर सकते हैं, नहीं पता है तो इस ओप्पो को A31 को कैसे आप इजीली अनलॉक करना है, ये स्टेप बाय स्टेप आप वीडियो को लास्ट एंड तक जरूर देखिएगा। तो मैं यहाँ पे इसको UMT से करने वाला हूँ फ्रेंड्स, कि UMT से आप बहुत, क्योंकि UMT सबके पास है। मैं ऐसे ही हर एक सीरीज़ का वीडियो लेकर के आऊँगा, UMT मिरेकल हो चाहे वो अनलॉक टूल हो। अभी मैं तीन टूल पे ज़्यादा बेसिक काम कर रहा हूँ। अभी मैं बहुत जल्द वीडियो भी बनाने वाला हूँ कि कौन सा टूल आपके लिए बेस्ट, सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा। तो मैं अनलॉक टूल को भी अभी इंक्लूड करने वाला हूँ और सारा चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि आपको सॉफ्टवेयर में कौन सा डोंगल या बॉक्स लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आप लास्ट इंड तक जरूर देखिएगा। ये ओप्पो का A31 है, इसको कैसे अनलॉक करते हैं तो वीडियो को लास्ट इंड तक जरूर देखिएगा। और आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आपने देखा वहाँ पे, अब मैं इसको करने वाला हूँ इजली तरीके से अनलॉक। तो इसके लिए हम कर लेते हैं, UMT को ओपन कर लेते हैं फ्रेंड्स। ये हमने UMT को कर लिया है ओपन, जैसा कि आप देख सकते हैं। UMT को ओपन करने के बाद वहाँ पे आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप दिखेगी। और इसके बाद नेक्स्ट टाइम मैं ऐसे ही हमेशा कंटेंट वीडियो लेकर के आता रहता हूँ। विंडोज़ 10 के ऊपर काफ़ी सारी जो दिक्कतें हैं, बग है, वो भी मैं दूर करने की कोशिश करूंगा अभी बहुत जल्द। तो ये हमारा जैसे ही खुल जाता है, बहुत छोटी सी वीडियो है, बहुत बड़ी वीडियो नहीं है। बट क्या होता है, कभी कभी यूजर्स सोचते हैं कि हमें कैसे उसे अनलॉक करना है या क्या सारी चीज़ें करनी है यहाँ पे। तो ये देख सकते हैं, हमारे यहाँ पे टूल खुल चुका है। यहाँ पे हमारा स्टेबल बहुत ही इजी तरीके से हो चुका है। अब ये हमारा 4.3 चल रहा है, ऐसे ही अपडेट आते रहेगा। यहाँ पे भी इसका बहुत अच्छा अपडेट है। आप डायरेक्टली यहाँ पे कुछ भी सेलेक्ट ना करके आप बहुत इजली तरीके से यहाँ पे आप कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम यहीं पे ट्राई करते हैं। आपको MTK 1 क्लिक यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपको MTK 1 क्लिक, यहाँ पे हमने कोई भी ब्रांड और मॉडल सेलेक्ट नहीं किया है, नहीं तो आपको प्रॉपर जाना है। आपको यहाँ पे ओप्पो सेलेक्ट कर लेना है जब आप प्रॉपर वे में आपको काम करना है। अगर वो नहीं होता तो हो जाता है, फिर भी मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। आपको यहाँ पे A31 सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे सीधा आपको फॉर्मेट FS कर देना है, या आपको यहाँ पे मेटा मोड पे रिसेट डिवाइस मेटा कर देना है। पर फिर भी हम ट्राई करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे हम जो ट्राई करने वाले हैं, इसको हम ट्राई करने वाले हैं रिसेट फॉर्मेट FS, क्योंकि जो भी है लाइव वीडियो में बनाता हूँ। यहाँ पे हमने FRP भी टिक कर दिया है, क्योंकि अगर इसके साथ साथ हमारी FRP भी रिमूव हो जाएगी, क्योंकि FRP इसका इसमें कोई मैटर नहीं होता है। FRP तो आपको पता ही है, बहुत ईजी तरीके से हो जाता है। तो चलिए हम वन क्लिक को न करते हुए हम सारे पहले जो है मेथड वही यूज कर लेते हैं। यहाँ पे केवल हमें रिसेट डिवाइस मेटा पे क्लिक कर देना है। रिसेट डिवाइस मेटा पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड, आपको सिंपल सिंपल कोई भी बूट की प्रेस नहीं करना है और सीधा यहाँ पे फोन को कनेक्ट कर देना है। आपको कोई भी बूट की प्रेस करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको फोन प्रॉपर ऑफ करके यहाँ पे आपको कनेक्ट कर देना है फोन को। प्रॉपर ऑफ करने के बाद, मैं प्रॉपर फोन को ऑफ नहीं किया था, सॉरी। तो फोन को मैं ऑफ कर देता हूँ और उसके बाद कोई भी आपको बूट की प्रेस नहीं करना है और आपको सिंपल और सिंपल फोन को कनेक्ट कर देना है। जैसे ही आप फोन को कनेक्ट कर देंगे, आपका फोन यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। अगर आपका डायरेक्ट नहीं होता है तो आप वैल्यूम अप डाउन दबाएंगे और फिर इंसर्ट केबल करेंगे। वैल्यूम अप डाउन इंसर्ट केबल, तो मैंने अभी वैल्यूम अप डाउन दबाया हुआ है और हम केबल को करेंगे इंसर्ट। तो यहाँ पे हमारा ड्राइवर चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अभी ड्राइवर तो नहीं हुआ है, डिटेक्ट नहीं हुआ है। तो चलिए ठीक है, हमने यहाँ पे अपना ब्रांड और मॉडल सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे सीधा, आप ब्रांड मॉडल नहीं भी लेते हैं तो आप इसको डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। सीधा आप यहाँ पे जाएंगे और सीधा आपको रिसेट डिवाइस मेटा पे क्लिक कर देना है। रिसेट डिवाइस मेटा पे क्लिक करने के बाद आपको फोन और सीधा सीधा कंप्लीटली कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपको सीधा वैल्यूम अप डाउन इंटर करके आपको फोन को कनेक्ट कर लेना है। कोई भी ब्रांड और मॉडल लेने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं होता है तो उसके बाद आपको ब्रांड और मॉडल लेने की जरूरत है। तो आपने देखा वहाँ पे, अभी हमारा फोन मेटा मोड पे जाएगा। मेटा मोड में जाने के बाद हमारा, देख सकते हैं साइड में हमारा यहाँ पे ड्राइवर भी चल रहा है, जो भी एरर आ रहा था मैं आपके सामने लाइव भी कर रहा हूँ। ये हमारा फोन देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से कनेक्ट हो चुका है मेटा मोड में। यहाँ पे हमारा ड्राइवर भी स्टेबल है और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन और यहाँ पे फोन के रीडिंग
वगैरह वगैरह सारी चीजें चेक हो रही है। तो आप देख सकते हैं बहुत इजीली तरीके से हमारा ये हो चुका है CPH 2015। ये हमारा ओप्पो का A31 है और हमारा ये रिस्टार्ट कम्प्लीटली हो चुका है। आप ब्रांड और मॉडल लेंगे अगर कोई एरर आता है तो दिक्कत है, अगर नहीं एरर आता है तो सीधा आपको कुछ भी ब्रांड मॉडल सेलेक्ट नहीं करना है, रिसेट डिवाइस मेटा पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं अपने फोन में करके दिखाता हूँ कि ये हुआ कि नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्मेटिंग प्लीज वेट ये हो रहा है। यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे आपको दिखाया कि हमारा जैसे ही फॉर्मेट हो गया, आपने देखा कि यहाँ पे जब हमने ब्रांड और मॉडल सेलेक्ट किया था, क्योंकि ओप्पो में यही खास बात है कि आपको कोई भी ब्रांड और मॉडल सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ओप्पो रिसेट मेथड 1 और 2 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ओप्पो रिसेट 2 और ओप्पो रिसेट मेथड 1। तो आपको 1 को सेलेक्ट करना है सिंपल और सिंपल, और सीधा आपको रिसेट डिवाइस मेटा पे क्लिक कर देना है और आपका इजिली तरीके से अनलॉक हो जाएगा। कोई भी ना रिक्स ना डेड रिक्स ना कुछ ना कुछ। अब ये फोन अनलॉक के टाइम पे ही डेड हुआ था, मैं आपको बताना चाहता था पहले, और ये फोन वही फोन है जैसा कि मैंने पहले वीडियो में मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे सारी चीजें आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे कुछ भी डिटेक्ट नहीं किया हुआ है। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं बहुत ही इजीली तरीके से ये हमारा अनलॉक हो चुका है, और कोई भी बिना रिस्क के बहुत ही कम समय में ये हमारा अनलॉक हो चुका है ओप्पो का A31। अब आपको जाना है सिंपल सा इमरजेंसी में जाना है। इमरजेंसी में जाने के बाद आपको यहाँ पे डायल करना है *813#, और ये आपका चुटकी में स्क्रीन अनलॉक हो जाएगा। फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही ईजिली तरीके से ये अनलॉक हो जाएगा, और ये देख सकते हैं प्रॉपर वे में ये हमारा फ़ोन अनलॉक हो चुका है। जैसा कि आप ये देख सकते हो ये वही फ़ोन है। तो अगर फ्रेंड ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।